तेरे कितने हैं मार्क्स? 8 out of 10। सामने देखो कतई सफेद अंडा और दांत हो रहे कतई पीले। किसके दस? दस किसके? कितने नंबर आए? 10.5। 10.5, 10 में 10.5। अब तो चाय बन। और क्या चल भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सभी गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। हाँ, आज हमारी पहली क्लास नहीं थी। मुझे पता आपके मन में ही डाउट होगा क्योंकि हमारी क्लास 9 बजे से होती है, आप लोगों को पता ही है। तो आज हमारी पहली क्लास नहीं थी, दूसरी में गया नहीं क्योंकि सुबह सोया था मैं एडिटिंग करके। इस चक्कर में भाई साहब आँख पर खूब जोर लगाया कि आँख खुल जाए, पर आँख नहीं खुली। फिर अपनी अब लंच के बाद जो कि है 12:30 से 2 तक हमारा लंच होता है, तो 2 से 3:30 हमारी क्लास है। और इस क्लास में क्लास किसके पहले सुन लो, ये क्लास है इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। इस क्लास में क्या आने वाला है पता है? हमारे क्विज का रिजल्ट, मतलब मैम आज कॉपी दिखाने वाली है। इतनी बड़ी खैर बात नहीं है कि बहुत बड़ा हमने एग्जाम दिया है कुछ, पर क्विज तो क्विज ही है क्योंकि इसके नंबर भी एग्जाम में ऐड होंगे। तो देखते हैं कितने नंबर स्कोर करें हमने आज क्विज में इकोनॉमिक्स के। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है 3:30 तक मैम दिखाई देंगे आज हमें कॉपी। तो मिलते हैं आप लोगों से, फिलहाल मैं निकल रहा हूं। मैं इसके लिए खाना खा पीने निकलेंगे अपने क्लास के लिए, नहीं ऑडिटोरियम के लिए। हाँ आज हमारी क्लास क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं है। हाँ आज हमारी क्लास ऑडिटोरियम में है, ठीक है ना। क्लास क्लास में नहीं, इतना मत सोचना उसके बारे में, ठीक है ना। ये थोड़ा मेरे क्या बोलते हैं आविष्कार करे वर्ड है, क्लास क्लास में नहीं है। क्लास आज हमारी ऑडिटोरियम में। तो मिलते हैं आप लोगों से और आया मैं। चलो 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 आज नंबर देखो। चैम्बर, अ केस स्टडी बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स। सो दिस गेस्ट लेक्चर एंड द लेक्चर। और हमारे टेस्ट पेपर आ चुके हैं। ला दिखा भाई मेरा, ये मेरा 10 में 10। ला तेरे कितने हैं मार्क्स? 8 out of 10। इतना होशियार है नहीं, इसके 8 आएंगे मार्क्स। फर्स्ट टाइम। मुस्कान तेरे कितने हैं? 0 भाई मेरी शीट है। अबे मेरी सीट दो, मेरे कितने नंबर आए दिखाओ यार। अरे भाई मेरी सीट दो यार पीछे। किसके 10? 10 किसके? वरुण पांडे। पांडे के 10 है? पहली बार 10 आए तेरे तो यार, 10 में 10। सुरक्षा मेरा कहा यार, उसमें शुभम लाओ। और मेरे आए 7 नंबर 10 में से। चलो ठीक ही है यार। और मेरे आए हैं 10 में 7 नंबर, जो मैं आज आपसे बता रहा था कि आज हमारे क्विज की शीट्स मिलेंगी। 10 में 7 आए हैं। वैसे हमारे यहाँ पर ये होता है कि बेस्ट ऑफ 3 लिए जाते हैं। मान लो 3 बार क्विज होते हैं जिसमें आपके 2 बार अच्छे नंबर आएंगे तो वो लिए जाते हैं। तो मेरे 10 में 7 आए हैं, बेस्ट ऑफ 2 मेरा एक तो ये हो गया 7 और एक में 9 थे, तो सही है। 20 में से नंबर काउंट होंगे एग्जाम में। चलो बढ़िया ही है, 10 में 7 आ गए, यही बहुत है हमारे लिए बैक बेंचर्स के लिए। और सामने देखो भीड़ लगी पड़ी है अपने अपने पेपर्स के लिए। हमारे कितने ऐसी क्विज हो रही है, क्या हो गया? नंबर आ रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, नंबर ला रहे हैं। कितने नंबर है तेरे? 10 नंबर आ रहे हैं, निहारी खा रहे हैं। तेरे 10 आए? मेरे शक्ल गई थी ऊपर दिखाई बार। तेरे झूठा, तेरे ब्रेन सेरिया, इन्हें ले गया भगजा पेपरों को यहाँ से। क्या हो गया भाई? मूड फ्रेश। कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? 10.5। 10.5, 10 में 10.5। अब तो चाय बनती है ना। अरे भगवान। चलो चलो चलो, तेरे कितने नंबर आए? 8 नंबर तो आई, क्या करा दाढ़ी, क्या करा लिया? चिकने, चिकना हो गया। शुभम भाई होंगे चिकने। शुभम भाई ये वाले भी और हम भी शुभम भाई, दोनों चिकने होंगे। शुभम भाई चिकने। शुभम स्क्वायर। आज की क्लास कैसी रही? क्या ही बताएं। कुछ पढ़ाई नहीं करी इन्होंने, खाली मूड मारा बैठ के। चैटिंग करी है बैठ के बस, कोई पढ़ाई नहीं करी। लघवी ने, लघवी का मैं नाम भी भूल गया था। कितने बुरे दिन आ गए, नाम ही भूल के बता। अभी हम सर में बिजी, सर हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं सामने, बहुत क्या पढ़ाया वैसे सर ने? पता नहीं, पता नहीं। ए, ए, ए,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। माही क्या कर रहा है तूने सामने देखो दोस्तों, वहां पे क्या कर रखा है सीट पे देखो माही क्या है। और दोस्तों अपना लास्ट सेशन भी पूरा हो चुका है जो कि होता है 4 से 5:30, तो फिलहाल हम निकलेंगे हॉस्टल के लिए। ये टाइम हमारा हॉस्टल जाने का। ये देखो क्या ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे सामने, दिखाऊंगा आप लोगों को भी। अब तो यहाँ पे 8-10 बच्चे बचे हुए हैं, मैं बैठा हुआ पीछे और आगे 8-10 बच्चे बचे हुए हैं। फिलहाल निकलेंगे हम हॉस्टल के लिए, देखते हैं सर्दी का मौसम है, मुझे लग रहा है मैं जुकाम भी हो गया, ज़्यादा ही वो दिखा दिया मैंने, छोटे छोटे कपड़े पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के, क्या मुझे सर्दी नहीं लगती, लेकिन मुझे लग रहा है हल्का सा जुकाम हो गया है मुझे, आज महसूस हो रहा है मुझे। देखते भी बाहर निकलेंगे चाय पीते हैं या फिर निकलेंगे डायरेक्ट अपने हॉस्टल के लिए। मेन बात तो ये है हॉस्टल की चाय पी भी लें, लेकिन हॉस्टल की चाय चाय नहीं है, वो पानी है बिल्कुल, सच बात तो ये है, क्लियर बोल रहा हूँ, पानी है बिल्कुल। वो तो आप लोग भी जानते होंगे जिन्होंने हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करी है, तो मतलब हॉस्टल का खाना ना, मतलब वो तो खैर सच बात है, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते घर के खाने को वर्सेस हॉस्टल के खाने को, क्या ही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फिलहाल निकल रहा हूँ मैं हॉस्टल के लिए और आया मैं। गुड प्राउड ऑफ यू। और बस निकल चुके हैं अपने हॉस्टल के लिए, चलो। और दोस्तों बस आ चुके हैं अपने हॉस्टल में फाइनली। और आज का दिन पता है भाई साहब, मतलब ऐसा रहा है कि बहुत छोटा सा, पता ही नहीं पड़ा कि पूरा दिन कब निकल गया मैं। अब पूरे दिन तो खैर मुझे पता ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं 2 बजे करीब गया था, पहली क्लास थी नहीं, और मैंने आप लोगों को बताया था सारा क्विज का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद तो पता ही नहीं पड़ा लास्ट क्लास कब हो गई और अपना डे कब खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फिलहाल जा रहा हूँ रूम में और आया हुआ। और आज है खाने में आलू टमाटर की सब्जी, खैर ये तो बढ़िया ही है, मतलब वो बनती है ना भंडारी वाली सब्जियाँ वैसी बनी है सेम, और सबसे पूरे हफ्ते में सबसे बेस्ट ये सब्जी है आलू टमाटर मटर की यहाँ पे। बाबू क्या हो गया, हाथ हटाओ, शक्ल दिखाओ अपनी। एक्सक्यूज मी क्या कर रहे हो, बहुत शक लगा दूंगी। मेरा भाई चिकना हो गया, कल के लिए रेडी है? कल नहीं है मेरा, परसों। आज से ही चिकना हो गया, आ गया क्या आज यार? फिर मैं थर्सडे को नहीं कटा। दोस्तों हमारा IDP है, IDP में क्या होता है, मतलब बाहर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपको इन फ्यूचर कौन सा कोर्स लेना है, प्लेसमेंट के रिलेटेड, स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग या फाइनेंस, जो भी लेना है। तो तू किसके लिए बना है? मैं मार्केटिंग के लिए बनाऊ। मार्केटिंग में चिकना होना पड़ता है। व्हाट इज मार्केटिंग? एक्चुअली मार्केट रिसर्च करते हैं अपन। बस ये। चल गुड नाइट, बाय, टाटा। और दोस्तों भाइयों बस अभी खाना खा पी कर घूम घाम कर थोड़ी देर बाहर, खाना पचाने के लिए, हाँ घूमना भी चाहिए थोड़ी देर, तो अपना घूम घाम के और थोड़ी देर अपना दोस्तों के बीच बैठ बांट के आ चुके हैं वापस अपने हॉस्टल में। फिलहाल निकल रहा हूँ मैं रूम के लिए, मिलते हैं आप लोगों से। और दोस्तों बस खाना खा के हम पर एंट्री कर रहे थे, देखिए हमें कौन मिला। शुभम हेलो, कैसा लग रहा है आज, चिकना हो के आया लौंडा? इसका भी ऋषभ की तरह का अपना IDP है ना। हाँ सामने देखो, कतई सफेद अंडा और दांत हो रहे कतई पीले। आज लग रहा है जादू, छोटा जादू, दूर से देखो एक बार, 0.5 में करा, ये छोटा जादू इन द हाउस। पब्लिक को हाय बोलो, हेलो गाइस, गाइस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हेलो भाई और बहनों। चल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। और दोस्तों ये टाइम व्लॉग को एंड करने का, मिलते हैं आप लोगों से। लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, अभी आपने कुछ लास्ट क्लिप्स देखी होंगी ऋषभ की और शुभम की, उसमें क्या डिफरेंस था उनकी बॉडी में? नहीं थी ना? हाँ, तो उनकी बियर्ड गायब थी और मेरी भी हो जाएगी नेक्स्ट व्लॉग में, आपको मैं विदाउट बियर्ड ही मिलूंगा, शेव करनी पड़ेगी क्योंकि कल है हमारा IDP जिसमें मतलब बाहर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं और वो बताते हैं कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन सुटेबल रहेगी और क्या चीज चूज करो, क्या नहीं, मार्केटिंग में जाओ, फाइनेंस में जाओ, तो उसके लिए हमें अपनी पूरी बीएड क्लीन करानी पड़ेगी, बिल्कुल चिकना होके उनके सामने बैठना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ का पार्ट है, मन तो मेरा नहीं था पर करवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, मैंने सोचा बताना जरूरी है, पता पड़ रहा है एकदम ही आप लोगों को सरप्राइज मिलेगी, ये क्या हो गया, मूंछ भी गायब, ये भी गायब। बाय द वे मैं मूंछ नहीं कटवाता, लेकिन वही है कि बीएड क्लीन करवा दो फिर मूंछ रखो ना, तो वैसे लगते हो मुकदम, हमारे यहाँ बोलते हैं गाँव में मुकदम, तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा आदमी लगने से बढ़िया है अपना क्लीन करा दो, बिल्कुल चिकने हो जाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ एक बात, प्लीज रिस्पेक्ट मदर एंड फादर बिकॉज दे आर ऑल इवन जॉब करते लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और साथ में
ग्रो करते हैं। सब योर गुड नाइट, टेक केयर।